वर्धमान ग्रुप तत्वावधान में श्री वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित भावरलाल गोठी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर के विद्यालय प्रांगण में आज जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अधिक मास तथा सावन पर्व के अवसर पर भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता हाउ के अनुसार एकल भजन और सामूहिक भजन के लिए आयोजित की गई, जिसमें लगभग 56 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय नियंत्रक, प्राचार्य, उपप्राचार्यों एवं निर्णायकों ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर भक्तिमय भजनों के साथ किया, जिसमें प्रत्येक हाउस के बालक बालिकाओं ने शानदार गायन का प्रदर्शन किया। बच्चों अपने भजनों में राधा कृष्ण, शिव पार्वती एवं राम सीता के साथ साथ भैरू जी का आह्वान और गुणगान किया। निर्णायक मंडल की भूमिका सनातन धर्म कॉलेज के संगीत आचार्य डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी, प्रवक्ता डॉक्टर हरीश गुजराती, वर्धमान कॉलेज की श्रीमती निधि पवार एवं संगीत शिक्षा की सुश्री भावना सोनी ने बच्चों को सुर और ताल से परख कर सामूहिक रूप से परिणाम जारी किया, जिसमें जूनियर वर्ग में विदिशा जैन सुभाष हाउस प्रथम, देवांश सोनी रमन हाउस द्वितीय और निधि सिंह टैगोर हाउस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में टैगोर हाउस के यश गोखलानी ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान, अशोका हाउस की सेजल सोनी ने द्वितीय स्थान, जबकि अशोका हाउस की ही सोनाक्षी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सामूहिक भजन में रमन हाउस प्रथम, सुभाष हाउस द्वितीय, जबकि टैगोर हाउस तृतीय स्थान पर रहा। विद्यालय के मुख्य हाउस समन्वयक प्रदीप खेड़ा ने बताया कि संगीत अध्यापक समीर एस कुमार के निर्देशन में कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। इस अवसर पर श्री वर्धमान शिक्षक समिति के अध्यक्ष शांतिलाल नाबरिया, मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारक, निदेशक डॉक्टर आर सी लोढ़ा, नियंत्रक ललित कुमार लोढ़ा, प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, उपप्राचार्य धर्मेंद्र कुमार शर्मा, उपप्राचार्य श्रीमती सुनीता चौधरी ने सभी प्रतिभागियों की गायन प्रतिभा का उत्साहवर्धन करते हुए सभी विजेताओं, अध्यापक अध्यापिकाओं एवं निर्णायकों के साथ साथ अभिभावकों को बधाई प्रेषित की। इस कार्यक्रम का मंच संचालन श्रीमती पिंकी गोड व श्रीमती सुचिता माहेश्वरी ने किया।